हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द क्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। काफ़ी अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बेटा क्लॉक। क्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है इस पूरे टॉपिक में, तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ों से हम एनालिसिस करेंगे, बहुत ही बेसिक से हम एनालिसिस करेंगे। जैसा कि ऑल ऑफ यू नो, क्लॉक के बारे में सभी को पता है बेटा, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। यहाँ पे हमने जो हैंड ऑफ द क्लॉक लेके चले, केवल दो ही हैंड ऑफ द क्लॉक की बात कर रहे हैं। दिस वन इज द आर हैंड, दिस वन इज द आर हैंड एंड दिस वन इज द मिनट हैंड। आप सभी को पता होता है कि जो क्लॉक होती है वो क्लॉक में कितने टोटल कितने हैंड होते हैं बेटा, थ्री होते हैं। तो इस पूरे में हम लोग सेकेंड हैंड की कोई बात नहीं करते हैं, सेकेंड हैंड की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, तो केवल दो ही हैंड की बात कर रहे हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड। केवल दो हैंड की बात करेंगे बेटा पूरे क्लॉक में, आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग हैंड के बारे में बात करें, उससे पहले आप क्लॉक को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मिनट हैंड, ये क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे नोटेशन हमने दे रखा है, दिस वन इज द मिनट हैंड, दिस वन इज द आर हैंड, दिस वन इज द आर हैंड और दिस वन इज द मिनट हैंड। हम एक एक हैंड की एनालिसिस करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मिनट हैंड की। मिनट हैंड की जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है 60 मिनट, दैट मीन्स ये जो मिनट हैंड है एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा। तो एट ए दिस टाइम कितना टाइम होगा बेटा? 60 मिनट। बट अगर हम एंगल की बात करें तो कितना एंगल का मोशन होगा, हाउ मेनी एंगल? अगर आप एंगल की बात करेंगे तो टोटल रोटेशन जो आता है वो कितना आता है बेटा? 360 डिग्री। टोटल रोटेशन कितना आता है? 360। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना आया? 360 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 डिग्री। तो 1 मिनट की अगर हम बात करें, 1 मिनट की, तो आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 60 मिनट इज 360, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आया होगा कि अगर ये क्लॉक 1 मिनट का मोशन कर रहा है, 1 मिनट का मोशन कौन कर रहा है बेटा? 1 मिनट का अगर मोशन हो रहा है मिनट हैंड का, तो ये जो मोशन है वो कितने डिग्री होगा बेटा? रोटेशन कितने डिग्री होगा? 6 डिग्री। रोटेशन कितने डिग्री का हो रहा है बेटा? 6 डिग्री। रोटेशन कितने डिग्री का हो रहा है? तो 60 मिनट में 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन। तो 1 मिनट में कितना आएगा बेटा? 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 मिनट में कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेटा आर हैंड की। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? आर हैंड की। अगर हम आर हैंड की बात करें, ध्यान से समझिएगा, इस आर हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन करने में, एक कंप्लीट रोटेशन करने में, एक कंप्लीट रोटेशन करने में, ध्यान से समझिएगा, एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है बेटा, वो टाइम कितना लगता है? अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करें और देखें और समझने की कोशिश करें, तो दिस इज इक्वल टू 12 आर। टोटल टाइम इज 12 आर, एक कंप्लीट रोटेशन। दैट मीन्स ये वाला क्लॉक एक कंप्लीट रोटेशन लेके फिर यहीं पे आएगा, तो दिस इज 12 आर। और कितना एंगल मूव कर रहा है? 360 डिग्री। कितनी एंगल का मोशन हो रहा है बेटा? एंगल कितना मूव करता है? 360 डिग्री। एंगल कितना मूव कर रहा है बेटा? 360 डिग्री। ओके, अब आप ध्यान से समझिएगा, आर हैंड 12 आर, 360 डिग्री, 12 आर कितना बेटा? 360 डिग्री। तो 1 आवर में जो ये मोशन हो रहा है, 1 आवर में जो मोशन होगा, या आप 60 मिनट की बात करें, 1 आवर में जो ये मोशन हो रहा है, 1 आवर में या 60 मिनट में अगर हम बात करें, ये जो मोशन हो रहा है कितना बेटा? 30 डिग्री का। कितना होगा? तो 1 मिनट की अगर हम बात करें तो कितना होगा? 1.5 डिग्री। 1 मिनट की अगर हम बात करें तो कितना होगा? 1.5 डिग्री। ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ों से हम एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 मिनट में जो मोशन होता है, 1 मिनट में जो मोशन होता है, ये जो आर हैंड है, ये जो आर हैंड है, इसमें जो मोशन आता है बेटा, वो हाफ डिग्री का, हाफ डिग्री का। और बेटा ये जो मिनट हैंड है, इन मिनट हैंड में इसमें जो मोशन आता है, अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे बना के बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 6 डिग्री का मोशन है। कितने डिग्री का बेटा? 6 डिग्री का। अगर इन दोनों में रेस की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, इसके रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड अगर लें यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें, तो जो रिलेटिव स्पीड आता है, देखिए 1 मिनट में, इन 1 मिनट में जो आर हैंड है वो कितना मूव कर रहा है बेटा? हाफ डिग्री। आर हैंड कौन सा हैंड बेटा? आर। 1 मिनट में, 1 मिनट में जो मिनट हैंड मूव करता है, मिनट हैंड, 1 मिनट में मिनट हैंड जो मूव करता है वो 6 डिग्री का मूव। कितने डिग्री का बेटा? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? 6 डिग्री का। ओके, तो अगर हम रिलेटिव गेन की बात करें, किसकी बात करें? रिलेटिव गेन। किसकी बात करें? रिलेटिव गेन की।
रिलेटिव गेन की अगर हम बात करें, ये 6 डिग्री का मोशन है, ये कितने डिग्री का है बेटा, 6 डिग्री का, और ये कितना है, हाफ डिग्री का, ये 6 डिग्री का और ये हाफ डिग्री का, अगर हम रिलेटिव गेन की बात करें तो 5 एंड हाफ डिग्री, 5 एंड हाफ डिग्री का मोशन, कितने का मोशन है बेटा, 5 एंड हाफ। रिलेटिव गेन दैट मीन्स किसको मिल रहा है बेटा, मिनट हैंड को मिल रहा है, किसको मिल रहा है बेटा, मिनट हैंड, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर मोशन होता है, 1 मिनट का रोटेशन होता है, तो उसमें रिलेटिव गेन मिलता है मिनट हैंड को 5 एंड हाफ डिग्री का, कितने का बेटा, 5 एंड हाफ डिग्री का। उस 1 मिनट में जो मिनट हैंड मूव करता है, वो मूव कितना करता है बेटा, 6 डिग्री, वो मूव कितना करता है बेटा, 6 डिग्री, वो मूव कितना करता है बेटा, 6 डिग्री। तो रिलेटिव गेन 5 एंड हाफ डिग्री इन एवरी मिनट, इन एवरी मिनट, हर 1 मिनट में हो रहा है, इन एवरी मिनट, इन एवरी मिनट, हर 1 मिनट में जो रिलेटिव गेन आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है बेटा, 5 एंड हाफ डिग्री का, इन एवरी मिनट, इन एवरी मिनट। तो कहता है कि फॉर रिलेटिव गेन ऑफ 5 एंड हाफ डिग्री, 5 एंड हाफ डिग्री, मिनट हैंड को कितना मोशन करना पड़ रहा है बेटा, 6 डिग्री, मिनट हैंड को कितना मोशन करना पड़ रहा है, 6 डिग्री। अगर यही रिलेटिव गेन हम 1 के लिए निकालें, ये दिस रिलेटिव गेन ऑफ 1 या फॉर 1, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डिग्री, कितना मोशन होगा बेटा मिनट हैंड का, 6 इंटू, यहाँ पे क्या हम 2/11 लिख दें, दिस इज इक्वल टू 12/11, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 12/11। रिलेटिव गेन फॉर 1, या रिलेटिव गेन ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2/11, ये 2/11 कैसे आया, आप देखिए 5 1/2, दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा, 11/2, दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे बेटा, 11/2, दिस इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते थे, 11/2, तो 11/2, तो यहाँ पे कितना आ जाता है बेटा, 12/11, कितना आ गया बेटा, 12/11, कितना आ गया। अब देखिए ये 12/11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12/11 का जो ये रिलेशन आ रहा है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। 12/11 ये बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है, इस बेहतरीन रिलेशन को देखिए, पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक क्लॉक की बात करते हैं, एक क्लॉक की बात करते हैं बेटा, एक क्लॉक की बात करते हैं, चलिए ये वैल्यू मैं पहले नहीं बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकली पूरा दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली पूरा दिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस क्लॉक में पूरा रोटेशन हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन, आई होप कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये पूरा रोटेशन हो रहा है इस क्लॉक में, क्या हो रहा है, पूरा रोटेशन। तो अभी हम इस क्लॉक को फिक्स करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस क्लॉक को हमने जैसे एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आपकी मिनट हैंड और यहीं से बेटा आर हैंड है, यहीं पे क्या है बेटा, आर हैंड, दोनों मिनट हैंड एंड आर हैंड जो ये रोटेट कर रहे हैं, ये एट ए 12 o'clock यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितने पे बेटा, एट ए 12 o'clock स्टार्ट करेंगे, एट ए 12 o'clock, एट ए 12 o'clock ये स्टार्ट करेंगे। और हम आपसे बस ये पूछ रहे हैं कि ये 12 घंटे में, 12 घंटे कब कंप्लीट होगा, कि 12 बजे से स्टार्ट हुआ है, 12 o'clock पे स्टार्ट हुआ, फिर अगेन 12 पे आ जाए, 12 पे आ जाए। तो हम ये पूछते हैं, इन 12 आवर हाउ मेनी टाइम्स कॉन्साइड, हाउ मेनी टाइम्स कॉन्साइड कॉन्साइड मिनट एंड आर हैंड, मिनट एंड आर हैंड, दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से ये सभी आपको काउंट करना है बेटा, ये सारी चीजें बेटा आप सभी लोगों को काउंट करना है। मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी लोग ये काउंट करके बताएंगे हमें ये कितनी बार कॉन्साइड हो रहा है। जैसे देखिए 1 टाइम्स कॉन्साइड हो चुका था, 12 पे था, दिस वन इज द सेकेंड कॉन्साइड, सेकेंड टाइम कॉन्साइड हुआ बेटा, दिस वन इज थर्ड, चेक काउंट करते जाइए बेटा, दिस वन इज फोर्थ, फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड 11। अब देखिए इसे हमने काउंट कर लिया था बेटा,
दिस वन इज, हमने ये वाला काउंट कर लिया था, दिस वन इज, ये हमने डन कर लिया था बेटा, दिस वन इज डन। तो दैट मीन्स एक चीज हमें ये पता चल गया बेटा, स्टार्टिंग से जब हमने स्टार्ट किया था, एट ए दिस पॉइंट, एट ए दिस पॉइंट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा, एट ए दिस पॉइंट, यहाँ से हमने 12 पे स्टार्ट किया था, 12 o'clock, इसे हमने काउंट कर लिया था। तो कितनी बार काउंट हुआ था, वन टाइम्स हमारा काउंट हो चुका था। तो दैट मीन्स टोटल 12 आवर में, अगर हम बात करते हैं बेटा, 12 टोटल 12 आवर में, टोटल इन 12 आवर हाउ मेनी टाइम्स कॉन्साइड, तो क्या आप बता सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कॉन्साइड बेटा, कितनी बार कॉन्साइड किए, रिप्लाई करिए प्लीज, कितनी बार कॉन्साइड किए बेटा, 11 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स। कितनी बार कॉन्साइड हुआ है, 11 टाइम्स। अगर आप काउंट, अभी हमने यही काउंट कर रहे थे बेटा, कॉन्साइड का मतलब क्या है कि बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड, बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड बेटा, बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड, ये क्या हो रहा है बेटा, दोनों क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री का। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री का। ओके, अच्छा यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, इन 12 बार अपोजिट, अपोजिट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच का, ये एंगल कितना हो, 180 डिग्री। दोनों अपोजिट कितनी बार होंगे, अपोजिट कितनी बार होंगे, दिस इज द क्वेश्चन, अपोजिट कितनी बार होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए काउंट करिए बेटा, अब सभी लोग काउंट करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग से। देखिए दिस वन इज द फर्स्ट अपोजिट, दिस वन इज द सेकेंड अपोजिट, दिस वन इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। देखिए ओनली 11 टाइम्स, कितनी बार हुआ बेटा, 11 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स। कितनी बार काउंट किया आपने, 11 टाइम्स। 11 टाइम्स क्या हुए बेटा, एक दूसरे के अपोजिट। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस 12/11, जो ये वैल्यू आई है बेटा, 12 आवर में 11 टाइम्स क्या हो रहा है, इन 12 आवर 11 टाइम्स कॉन्साइड होते हैं बेटा और 11 टाइम्स अपोजिट हो रहे हैं। 11 टाइम्स कॉन्साइड होता है और 11 टाइम्स क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। तो रिलेटिव गेन फॉर वन, दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 12/11। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हम पूरा बेसिक जो क्लॉक का फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला कैसे बनता है, 12/11 का आप मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, ये 12/11 आता कैसे है, और ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिजल्ट, कॉन्साइड इन 12 आवर, कॉन्साइड इन 12 आवर, मिनट एंड आर हैंड 11 टाइम्स। कितनी बार कॉन्साइड हो रहे हैं बेटा, 11 टाइम्स। अपोजिट इन 12 आवर, मिनट एंड आर हैंड कितनी बार अपोजिट हो रहे हैं बेटा, 11 टाइम्स। कितनी बार अपोजिट हो रहा है, 11 टाइम्स। अब आप बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, इन बिटवीन 2 आवर मिनट एंड आर हैंड फोर राइट एंगल, इन बिटवीन 2 आवर मिनट एंड आर हैंड के बीच कितने राइट एंगल बनेंगे, फोर राइट एंगल बनेंगे। कितने राइट एंगल बनेंगे, फोर राइट एंगल। बट एक एक्सेप्शन है बेटा, 2 to 4 and 8 to 10, 2 to 4 and 8 to 10 ओनली 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल बनते हैं, 3। चलिए हम लोग चेक करते हैं बेटा, देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से काउंट करना शुरू करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 बज गया बेटा, दिस वन इज द फर्स्ट राइट एंगल, दिस वन इज द सेकेंड राइट एंगल, दिस वन इज द थर्ड राइट एंगल, एंड देखिए 4 हो गया। तो 2 घंटे में हाउ मेनी राइट एंगल, कितने राइट एंगल बने बेटा, ओनली एंड ओनली 3 राइट एंगल। दिस इज द एक्सेप्शनल केस, 2 to 4, कहाँ पे, 2 to 4 एंड 8 to 10। आप अगर आपके पास वॉच है, आपके घर में अवेलेबल है, तो आप लोग उसे ले लीजिए वॉच को, और एक बार बेटा रोटेट करके चेक कर लीजिए, 2 to 4 और 8 to 10, 2 to 4 एंड 8 to 10, हाउ मेनी राइट एंगल, कितने राइट एंगल बनेंगे बेटा, 3 राइट एंगल। ठीक है, बट इन स्टैंडर्ड केस में, इन बिटवीन 2 आवर, हर 2 घंटे में, इन बिटवीन 2 आवर मिनट एंड आर हैंड, मिनट एंड आर हैंड, हाउ मेनी राइट एंगल बेटा, 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल है यहाँ पे, 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल है, 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल है बेटा यहाँ पे, 4 राइट एंगल। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट हमारा आता है इन बिटवीन टू आर, टू टाइम्स अपोजिट मिनट एंड आवर हैंड। मिनट एंड आवर हैंड बेटा इन बिटवीन टू आर कितनी बार अपोजिट हो रहे हैं बेटा, टू टाइम्स। कितनी बार अपोजिट हो रहे हैं, टू टाइम्स। एक एक्सेप्शन है बेटा, 5 to 7, 5 to 7 ओनली वन टाइम्स, 5 to 7। चलिए हम लोग चेक करते हैं, 5 to 7, 5 to 7। देखिए 5 से स्टार्ट कर लीजिए, 6 फर्स्ट टाइम अपोजिट हुआ, देखिए बेटा 7 हो गया, और कितनी बार अपोजिट हुआ, ओनली वन टाइम्स। कितनी बार अपोजिट हुआ, ओनली वन टाइम। तो 5 to 7 कितनी बार अपोजिट हो रहे हैं, ओनली वन टाइम्स। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 बज गया, वन टाइम अपोजिट हो गया, 7 हो गया। ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्लॉक, थोड़ा सा टाइम को मिनिमाइज करेगा आपको समझने के लिए। तो 5 to 7 में जो हम बात कर रहे थे, कितनी बार अपोजिट होते हैं बेटा, वन टाइम्स। कितनी बार, और इन एवरी टू आर में, हर एक टू आर में आप देखेंगे कि 2 बार अपोजिट होगा, हर एक टू आर में। आप कोई भी टू आर ले लीजिए, जैसे सपोज 9 बजे से स्टार्ट करते, देखिए फर्स्ट अपोजिट हुआ बेटा, सेकेंड अपोजिट हो गया, अब देखिए 11 बज गए, 2 घंटे हो गए। तीन टू आर, इन टू आर कितनी बार अपोजिट होते हैं, इन बिटवीन टू आर टू टाइम्स अपोजिट। कितने टाइम्स अपोजिट होते हैं, टू टाइम्स अपोजिट। कितने टाइम्स अपोजिट होते हैं बेटा, टू टाइम्स। मिनट एंड आवर हैंड, और एक्सेप्शन हमारा क्या है, 5 to 7। ये रिमेंबर रखना है, एक्सेप्शनल केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 to 7 में केवल एक बार होता है, ओनली वन टाइम्स। और अगर हम राइट एंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल बेटा इन टू आर में कितने बनते हैं, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। अब ध्यान से समझिएगा, जो राइट एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो हम राइट एंगल की बात करते हैं बेटा, इन केस ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल तभी बनता है जब मिनट एंड आर हैंड के बीच का जो ये गैपिंग होता है, दिस इज द 90 डिग्री। बट ये गैपिंग आप बता सकते हैं कितने मिनट का है बेटा, 15 मिनट का है। कितने मिनट का है, 15। दिस इज द राइट एंगल। कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं इन बिटवीन टू आर में, आप कहीं से, जैसे 12 बजे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट राइट एंगल, दिस वन इज सेकेंड राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल, एंड दिस वन इज फोर्थ राइट एंगल। 2 बज गया, 12 to 2, 2 आर में, एवरी 2 आर में कितने राइट एंगल बनते हैं, 4। बट दो एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस आपको रिमेंबर रखना है, 2 to 4 एंड 8 to 10, 2 to 4 एंड 8 to 10, एट दैट इन बिटवीन 2 to 4 एंड 8 to 10 ओनली 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल बनते हैं बेटा, केवल 3। तो एक्सेप्शनल केस आपको रिमेंबर रहना चाहिए, 2 to 4, 8 to 10, और जो अपोजिट वाला है बेटा 5 to 7, जो अपोजिट वाला है बेटा 5 to 7। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनर पूछता है, इन 12 आर, इन 12 आर हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, कौन से, मिनट एंड आर हैंड, मिनट एंड आर हैंड स्ट्रेट लाइन, मिनट एंड, मिनट एंड आर हैंड, आर हैंड क्या बना रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन, क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मिनट एंड आर हैंड इन बिटवीन 12 आर, इन बिटवीन 12 आर, इन बिटवीन 12 आर मिनट एंड आर हैंड क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है। देखिए ध्यान से, कितनी बार, अब स्ट्रेट लाइन के लिए आपको एक चीज ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्ट्रेट लाइन बेटा तब भी होगा जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। दिस वन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, एंड बेटा जब ये अपोजिट होंगे, इन दिस केस अपोजिट होंगे, तब भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन, बोथ केसेस में स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि आपको पता है, इन 12 आर में, 12 आर में हाउ मेनी टाइम्स ऑन साइड, 11 टाइम्स, और 12 आर में कितनी बार बेटा अपोजिट होते हैं, 11, तो 22, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था 12 आर में, इन 12 आर में कितनी बार स्ट्रेट लाइन बेटा, 22। बट अगर वन डे की बात करता है, वन डे, वन डे दैट मीन्स वन डे में कितने आर होते हैं बेटा, 24 आर, तब जाके ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है, 44। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है बेटा, 44। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है, 44। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर, क्लियर है बेटा। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल एनालिसिस चल रहा है, और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया। चलें, एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट हम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कन्वेंशनल मेथड देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हम लोग कन्वेंशनल मेथड देखते हैं। इन दिस केस कहता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द मिनट हैंड एंड आर हैंड, द मिनट हैंड एंड आर हैंड, फर्स्ट वन इज द कॉन्साइड, सेकेंड वन इज द अपोजिट, एंड थर्ड वन इज द राइट एंगल, थर्ड वन इज द राइट एंगल, थर्ड वन इज द राइट एंगल। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं 4 o'clock to 5 o'clock, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने एक वॉच बनाया, इस वॉच में जो टाइम हमने दिखा दिया कितना है बेटा, 4 o'clock, दिस इज 12,
सिक्स नाइन 4 o'clock, दिस इज द 4 o'clock, ओके। इन बिटवीन जो गैपिंग है कितने मिनट का है बेटा, मिनट एंड आवर एंड में जो गैपिंग है आप इजली बोल सकते हैं कि सर 20 मिनट का है। कितने मिनट का है बेटा, 20 मिनट का। मिनट एंड आवर हैंड के बीच में जो ये गैपिंग है वो कितने मिनट का है बेटा, 20 मिनट का। कितने मिनट का है, 20 मिनट का, ओके। मिनट एंड आवर हैंड के बीच में जो ये गैपिंग है ये कितने मिनट का है बेटा, 20 मिनट्स का, ओके। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द मिनट हैंड एंड आवर हैंड इनके बीच में जो गैपिंग है ये कितने मिनट का है बेटा, 20 मिनट्स का। कितने मिनट्स का है, 20 मिनट्स का, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, जैसा कि आपने देखा था 1 मिनट का जो रिलेटिव गेन आपने कैलकुलेट किया था वो 12/11 था। अगर हम आपसे 20 मिनट का बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 20 मिनट, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर इसमें क्या कर दें हम, 20 का मल्टीप्लाई। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे बेटा, जब आप 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है, 240/11। कितना आ जाता है बेटा, 240/11, 240/11। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 21/9/11, 21/9/11, 21/9/11, 21/9/11, 21/9/11। अब ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, 4 o'clock एंड 5 o'clock। क्वेश्चन क्या था बेटा, 4 o'clock एंड 5 o'clock, 4 से 5 बजे के बीच में वो टाइम आपको बताना है जब क्या हो बेटा, कॉन्साइड हो। क्या हो बेटा, कॉन्साइड हो। तो जैसा नहीं आपने देखा इसके बीच में जो ये डिफरेंस था, जो टाइम का ये डिफरेंस था वो 20 मिनट का था। किसमें, मिनट एंड आवर हैंड के बीच में इनमें गैपिंग कितना था, 20 मिनट का। वन का आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर चुके थे, रिलेटिव गेन आप निकाल चुके थे 12/11। तो 1 मिनट में 12/11 का जा रहा था कौन, मिनट हैंड। कौन जा रहा था बेटा, मिनट हैंड। तो 20 में कितना जाएगा, तो ये हमने 20 का मल्टीप्लाई किया, 240/11 यानी 21/9/11। तो वो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, 4:21/9/11, दिस इज द टाइम। ये वो टाइम होगा बेटा जब दोनों क्लॉक या दोनों हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड आपस में क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे या ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट के मन में एक सिंपल सा डाउट आता है, डाउट ये आता है कि सर हम क्लॉक का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। आप सब, आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में भी ये डाउट आया होगा कि सर हम ये क्लॉक का टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्लॉक लेके जाएंगे, एग्जाम में क्लॉक रहेगा हमारे पास और हम उसे रोटेट करके देख लेंगे, रिस्ट वॉच आपके पास होगा और उसे हम रोटेट करके देख लेंगे और सर देखेंगे 4 से 5 बजे के बीच किस टाइम पे दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाउट आता है माइंड में कि सर हम ऐसा तो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जब आपका जो दूसरा फ्रेंड होता है, आप लोग आपस में डिस्कस करते हो, तो सेकेंड वाला जो फ्रेंड आपका होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा दिमागदार होता है। क्या होता है बेटा, ज़्यादा दिमागदार होता है। और वो देखिए उसके मन में क्या डाउट आता है, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया उसके मन में डाउट आता है कि अगर मैंने अपनी क्लॉक यहाँ पे डिस्टर्ब कर दी एग्ज़ाम के टाइम में तो हम एग्ज़ाम के टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपका जो तीसरा फ्रेंड जो इन दोनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट वो क्या कहता है, कहता है कि ऐसा करेंगे हम 2 क्लॉक ले चलेंगे। एग्ज़ाम में कितने क्लॉक लेके जाएंगे बेटा, 2 क्लॉक लेके जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर आपसे ज़्यादा तेज, और देखिए वो ऑप्शन किस हिसाब से बनाता है, कहेगा ऑप्शन नंबर ए 4:21/9/11, ऑप्शन नंबर बी 4:20/10/11, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखते जाइए, ऑप्शन नंबर सी 4:21/10/11 एंड ऑप्शन नंबर डी 4:29/11। कहते हैं बताइए विच वन इज द करेक्ट। अब आप एक नहीं दो नहीं पूरे 4 क्लॉक भी अगर लेके जाते हैं तब भी आप प्रॉब्लम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट डाउट जो आप सभी के मन में आया होगा वो क्लियरिफाई हो गया होगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ये टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एग्जैक्टली आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो कॉन्साइड होने का, जो कॉन्साइड होने का आंसर कितना आ गया बेटा, 4:21/9/11। ये भी कन्वेंशनल मेथड है। अभी हम लोग इस पे ना फॉर्मूला भी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं,
सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला अभी बाद में देखेंगे, पहले कन्वेंशनल मेथड से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन इज अपोजिट कब होगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा अपोजिट, ये अपोजिट कब होंगे ध्यान से समझिएगा। टाइम कितना हो रहा है, 4 o'clock, टाइम इज 4 o'clock, टाइम इज 4 o'clock, ध्यान से देखिए टाइम इज 4 o'clock। अब देखिए इन्हें अपोजिट होने के लिए पहले इसे कॉन्साइड करना पड़ेगा, कितने मिनट का गैप है, 20 मिनट का। इसके बाद बेटा ये रोटेशन करते करते ये अपोजिट में यहाँ पे जाएगा कहीं पे एट दिस पोजिशन, तब जाके अपोजिट होगा, तो इसमें कितने का गैपिंग है, 30 मिनट का, मतलब 1 मिनट में कितने का रिलेटिव गेन आता है, 12/11 में, और यहाँ पे टोटल कितना मिनट हो गया, ये 20 मिनट बेटा कॉन्साइट के लिए, कॉन्साइट प्लस 30, ये क्या हो गया बेटा अपोजिट, अपोजिट दिस इज अपोजिट। तो 20 + 30 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 12/11, 20 + 30 मल्टीप्लाई बाई 12/11, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 600/11, 600/11, 600/11। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 54/6/11, क्योंकि देखिए ऑप्शंस बेटा कुछ इस टाइप से ही गिवन होंगे एग्जाम में, तो वो टाइम 4 ऑलरेडी बज चुका था, तो 4 बजे के बाद यानी 4 54/6/11, 4 54/6/11 बेटा ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे मिनट एंड आर हैंड आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे बेटा अपोजिट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे बेटा अपोजिट होंगे, ठीक है। थर्ड वन इज द राइट एंगल, थर्ड वन इज द राइट एंगल, थर्ड हम किसकी बात करते हैं बेटा, राइट एंगल कब बनेगा, राइट एंगल कब बनेगा, थर्ड वन इज द राइट एंगल। चलिए देखते हैं, इन दिस केस राइट एंगल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा राइट एंगल का, ध्यान से समझिएगा, टाइम कितना है, 4 to 5 o'clock, दिस इज द 4 to 5 o'clock, ये 12, 3, 6, 9, और ये 4 है, दिस इज द टाइम। अब ध्यान से समझे, देखिए फर्स्ट राइट एंगल बेटा कब बनेगा, फर्स्ट राइट एंगल जब ये हमारा मिनट हैंड 5 मिनट का रोटेशन करें, 12 से 1 पे आ जाए या 2, दिस इज द फर्स्ट राइट एंगल 90 डिग्री, कितना रोटेशन 5 मिनट का, हाउ मेनी मिनट, ये जो भी बात कर रहे हैं रिलेटिव गेन में बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं बेटा रिलेटिव गेन में, किसमें बात कर रहे हैं बेटा रिलेटिव गेन में। तो फर्स्ट राइट एंगल ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट राइट एंगल, फर्स्ट राइट एंगल, फर्स्ट राइट एंगल दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एट दिस टाइम दिस इज इक्वल टू फर्स्ट राइट एंगल कितने का मोशन बेटा, केवल 5 मिनट का, 5 × 12/11, दिस इज इक्वल टू 60/11, दिस इज इक्वल टू 60/11, तो दिस इज इक्वल टू आप राइट डाउन कर सकते हैं 5/5/11, तो वो टाइम क्या आएगा, 4/5/5/11, दिस इज द फर्स्ट राइट एंगल। सेकेंड राइट एंगल कब बनेगा, आप ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वो 20 मिनट मोशन करके क्या करेगा, ओवरलैप, 20 मिनट मोशन करके क्या करेगा बेटा, ओवरलैप, 20 मिनट का मोशन करके वो ओवरलैप करेगा, इससे ओवरलैप करेगा, आफ्टर दैट 15 मिनट का मोशन करके क्या करेगा अपोजिट, दिस इज 90, दैट मीन्स जो सेकेंड राइट एंगल आएगा, सेकेंड राइट एंगल, सेकेंड राइट एंगल इन दिस केस, सेकेंड राइट एंगल बेटा पहले कितने मिनट चला है, 20 मिनट, 20 मिनट ओवरलैपिंग प्लस 15 मिनट अपोजिट, दिस इज द कॉन्साइड और दिस वन इज द अपोजिट, तो ये मल्टीप्लाई 12/11, दिस इज इक्वल टू 35 × 12/11, 35 × 12/11, और ये क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 38/2/11, यानी वो टाइम 4 38/2/11, ये वो टाइम आ जाएगा बेटा जब बनेगा सेकंड राइट एंगल। जैसा कि मैंने आपको फ्रॉम स्टार्टिंग से बताया कि बेटा जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है वो 2 घंटे में 4 बनते हैं, कितने बनते हैं बेटा 4 बनते हैं, जो राइट एंगल है वो कितने बनते हैं टोटल बेटा 4 बनते हैं, तो 2 आवर में 4 बन रहा है, तो 1 आवर में कितना बन रहा है बेटा 2,
तो दिस इज द फर्स्ट राइट एंगल, फर्स्ट राइट एंगल आपका आ गया वो टाइम 4 5 5 अपॉन 11, सेकेंड राइट एंगल 4 38 2 अपॉन 11। एवरी एक्यूट एंगल, एवरी एक्यूट एंगल, आई होप कि एक्यूट एंगल समझ आता होगा, वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है, एवरी एक्यूट एंगल यार इक्वल टू 90 डिग्री, ये एवरी 1 आवर में कितनी बार बनेगा बेटा, 2 टाइम्स बनेगा, कितनी बार बनेगा बेटा 2 टाइम्स, कितनी बार बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स। चले ये तो था बेटा कन्वेंशनल मेथड, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कन्वेंशनल मेथड। अब हम लोग मूव करते हैं फॉर्मूला पे, फॉर्मूला लोगों को देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, क्योंकि लोग फटाफट क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे फॉर्मूला है कॉन्साइट का, कॉन्साइट का जो फॉर्मूला है बेटा, अगर कॉन्साइट का आप फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्साइट का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू 5x × 12 अपॉन 11, 5x × 12 अपॉन 11। तो चलिए समझते हैं, जैसे क्वेश्चन था हमारा 4 to 5, 4 to 5, तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 4, दिस इज एक्स, ये क्या है बेटा x+1, दिस इज x+1, तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 4। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे ध्यान से समझिएगा, 5 × 4 × 12 अपॉन 11, 12 अपॉन 11 का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, रिलेटिव गेन के लिए, ये अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था फ्रॉम स्टार्टिंग, हम यहाँ फॉर्मूले में 12 अपॉन 11 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, रिलेटिव गेन के लिए। तो दिस इज इक्वल टू 20 × 12 अपॉन 11, 20 × 12 अपॉन 11, दिस इज इक्वल टू 240 अपॉन 11, दिस इज इक्वल टू 240 अपॉन 11, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 21 9 अपॉन 11, तो वो टाइम क्या होता है 4 21 9 अपॉन 11, ये वो टाइम है बेटा जब क्या होगा कॉन्साइड करेंगे 4 to 5 PM पे। अब देखिए फॉर्मूले का यूज करके हमने लगाया, अब हम बात करते हैं राइट एंगल की, किसकी बात करते हैं बेटा राइट एंगल। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, आई होप कि सभी ने बताया, 4 to 5 दिया तो एक्स की वैल्यू हमने कितना लिया बेटा 4 लिया, 4 to 5 था एक्स की वैल्यू 4, और 5 x+1 है एक्स की वैल्यू 4। ओके चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो 5 × एक्स की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस बेटा 50 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 11 मल्टीप्लाई भी, ये सेकंड राइट एंगल आएगा, जब आप पॉजिटिव साइन यूज करते हैं तो सेकंड, नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो फर्स्ट, तो जो सेकंड राइट एंगल आ रहा है दिस इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिएगा, दिस इज इक्वल टू 20 + 15 35 × 12 अपॉन 11, तो 35 × 12 अपॉन 11 अपॉन यानी 420 अपॉन 11, जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 38 2 अपॉन 11, वो टाइम क्या होगा बेटा 4 38 2 अपॉन 11। चलिए दूसरे केस में देखते हैं, 5x की वैल्यू 4, तो 20 माइनस 15, तो दिस इज इक्वल टू 5 × 12 अपॉन 11, तो 60 अपॉन 11, या आप लिख सकते हैं 5 5 अपॉन 11, तो दैट मीन्स वो टाइम क्या होगा 4 5 5 अपॉन 11, दिस इज द टाइम, ये हमारा क्या, आप चेक कर सकते हैं, मैच करिए, देखिए जो आपने कन्वेंशनल मेथड यूज किया था वहां पे भी वही वैल्यू आ रहा है 38 2 अपॉन 11, यानी 4 38 2 अपॉन 11 और 4 5 5 अपॉन 11, ये राइट एंगल फर्स्ट एंड सेकंड। ओके अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल में, ध्यान रखना है 5x + 30 × 12 अपॉन 11, ये कब लेना है जब एक्स की वैल्यू 7 less than 6 हो, 5x - 30 × 12 अपॉन 11 जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो, इन दिस केस आप देखिए एक्स की वैल्यू कितना 4 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट वन, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज होगा, क्या यूज होगा पॉजिटिव, तो 5 × 4 दिस इज 20 + 30 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 11, मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 11, दिस इज इक्वल टू 50 × 12 अपॉन 11, तो दिस इज इक्वल टू 600 अपॉन 11, दिस इज इक्वल टू 600 अपॉन 11, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा 54 6 अपॉन 11, और ये टाइम क्या होगा बेटा 4 54 6 अपॉन 11। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के मन में आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि सर अगर क्वेश्चन 1 आवर का टाइम स्पैन ना दे, ये जो टाइम स्पैन 1 आवर का ना दे, मतलब 4 to 5 1 आवर, क्वेश्चन कहता है 4 to 6 की बात करता है, किसकी बात करता है 4 to 6, कहते तब सर हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे बेटा 4 to 5 and 5 to 6, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये सारी वैल्यू जो आपने यूज किया ये 1 1 आवर का टाइम स्पैन लेके यूज किया गया,
तो पहला डाउट ये आता है कि सर हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो जब भी 2 आर का आ जाए तो 4 to 5 और 5 to 6, 4 to 5 एंड बेटा 5 to 6 पे आपको लेना है, 4 to 5 एंड 5 to 6, 4 to 5 और कहाँ से लेना है बेटा, 4 to 5 एंड 5 to 6, 4 to 5 एंड 5 to 6, ओके। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन, पहला डाउट ये था, क्लियर हो गया होगा। सेकेंड प्रॉब्लम ये आता है कि सर क्या हमसे क्वेश्चन यही 3 स्टैंडर्ड फॉर्म के पूछे जाएंगे, कि कौन साइड कब हो रहा है, राइट एंगल कब बन रहा है, अपोजिट एंगल कब हो रहा है, क्या हमसे यही 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? सिंपल सा डाउट, आपसे यही 3 टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जब यही 3 टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, दिमाग, आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रेन, कि सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें वो टाइम बताइए 4 to 5 में, 4 to 5 में आप हमें वो टाइम बताइए जब एंगल कितना बने 32.5 डिग्री, क्योंकि आपने तो फॉर्मूला ये याद किया था, कौन साइड राइट एंगल और अपोजिट एंगल, कौन साइड राइट एंगल एंड अपोजिट एंगल। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि क्लॉक में लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला दूंगा जिसका नाम भी मैंने ब्रह्मास्त्र रखा है, मतलब पूरे टॉपिक को बेटा एक ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना, एक सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल फॉर्मूले में बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें बताता हूँ। देखिए जब हम 6 डिग्री का मोशन हो रहा था तो मिनट हैंड को मूव कितना करना पड़ता था, 1 मिनट, कितना मूव करना पड़ता था, 1 मिनट। अब देखिए 1 डिग्री अगर मूव करना होगा तो कितना मूव करना होगा बेटा, 1/6, कितना मूव करना होगा, 1/6, बहुत ही सिंपल, 1/6। अगर हम डी डिग्री मूव करा दें, डी डिग्री, डी वो वैल्यू होगा, तो क्या हम d/6 लिख सकते हैं, दिस इज इन मिनट, ये मिनट में होगा, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, दिस इज इन मिनट, क्योंकि स्टार्टिंग आपने 1 मिनट से किया था। तो 1 डिग्री, 1/6, डी डिग्री में कितना आएगा, d/6। अब देखिए पूरे फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल फॉर्मूले में, 5x± d/6 multiply by 12/11, 12/11 multiply by 12/11, 5x± d/6 multiply by 12/11, multiply by 12/11, ध्यान से समझो। इन दिस केस अब देखिए आपको क्या चाहिए बेटा, कॉन्साइट, कॉन्साइट कब होगा, ये कॉन्साइट कब होगा, जब बोथ एंगल मिनट एंड आर हैंड आपस में ओवरलैप करेंगे 0 डिग्री। तो जैसे ही आप डी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, जैसे ही आप डी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ये होल टर्म 0 हो गया आपका, ये पूरा 0, क्या बचा, 5x multiply 12/11, 5x multiply 12/11, 5x multiply 12/11, क्या बचेगा, 5x multiply 12/11। अब ध्यान से देखिए 5x into 12/11, दिस इज द क्लियर। अच्छा सेकेंड, अगर आपको राइट एंगल चाहिए तो राइट एंगल इन दिस टाइम आप डी की जगह 90 रखोगे बेटा, इन द प्लेस ऑफ डी क्या पुट करेंगे, 90, 90/6 कितना होता है बेटा, 50। अब देखिए एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, राइट एंगल कब बनेगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री का, तो वो डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, तो क्या मिल गया आपको, दिस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला मिल गया। और अपोजिट एंगल की बात करता है तो अपोजिट में देखिए, अपोजिट में जो एंगल बनता था वो एंगल कितना बनता था बेटा, अपोजिट में वो एंगल कितना बनता था, 180 डिग्री, कितना बनता था, 180। तो जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे कितना, 180 डिग्री, जैसे ही आप पुट करेंगे 180 डिग्री, 180/6 करेंगे, 180/6 करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो देखिए अब आपको कोई भी वैल्यू चाहिए, जरूरी नहीं है कि बेटा कौन साइड कब आएगा, राइट एंगल कब आएगा, अपोजिट एंगल, आपको 32.5 डिग्री ये चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा 32। तो इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, ब्रह्मास्त्र, दिस इज नोन एज ब्रह्मास्त्र। पूरे टॉपिक को हम लोग एक सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लेके आ गए, 5x, यहाँ पे बस प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस d/6 into 12/11। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें 32.5 डिग्री 4 to 5 में बताइए,
तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 o'clock to 5 o'clock वो टाइम बताइए जब क्लॉक में कितना एंगल बने, दैट मीन्स मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच का जो एंगल हो वो कितना हो बेटा, 32.5 डिग्री। 32, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। आप कहेंगे कि सर 4 to 5 है तो 4 होगा, प्लस माइनस डी की वैल्यू 32.5 डिवाइडेड बाई 6, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12/11, मल्टीप्लाई बाई 12/11। तो 32.5 डिवाइडेड बाई 6 दिस इज इक्वल टू, ये आता है 5.41667, दिस इज 20 प्लस माइनस 12/11 प्लस 20 × 12 / 11। तो आप देखिए ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आती है, दिस इज इक्वल टू 27/8/11। और टाइम ये क्या होगा बेटा, 4 27/8/11। अब की बार हमने प्लस साइन यूज़ किया, माइनस साइन भी हम यूज करके सॉल्व करते हैं बेटा। 20 − 5.41667 मल्टीप्लाई बाई 12 / 11, दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाता है बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 15 9/10, 4 15 9/10। देखिए दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट टाइम होगा, ये फर्स्ट टाइम, ये वो टाइम होगा बेटा जब 32.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वो टाइम होगा बेटा जब आपका एंगल कितना बनेगा, जब सेकेंड टाइम होगा जब आपका एंगल 32.5, जैसा कि मैंने आपको बोला था एवरी एक्यूट एंगल, एवरी एक्यूट एंगल इन बिटवीन 1 आवर 2 टाइम्स बनता है। कितनी बार बनता है, 2 टाइम्स बनता है। कितनी बार बनता है यहाँ पे, 2 टाइम्स बनता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी 40 डिग्री, विल बी 40 डिग्री। ट्राई टू सॉल्व एवरी वन फटाफट, ध्यान से समझिएगा, क्या एट ए वॉट टाइम बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड विल बी 40 डिग्री, विल बी 40 डिग्री। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना फॉर्मूला है 5x + − d/6 मल्टीप्लाई बाई 12/11। वट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2, x इज इक्वल टू 2। और वट इज़ द वैल्यू ऑफ d? d इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो 5 × 2 = 10 और प्लस माइनस 40/6 मल्टीप्लाई बाई 12/11 मल्टीप्लाई बाई 12/11। 40 / 6 दिस इज इक्वल टू कितना आता है, देखिए ध्यान से समझते जाइए, 10, ये प्लस माइनस 6.67 × 12/11। तो फ्रॉम हेयर प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 16.67 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान से समझिएगा, 10 प्लस, पहले हम पॉजिटिव साइन लेके यूज करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12/11, मल्टीप्लाई बाई 12/11। तो इन दिस केस कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 12 / 11। तो दिस इज इक्वल टू, जो सॉल्व करते हैं अगर आप, तो 18/2/11। लेकिन ये वो टाइम होगा बेटा कि आफ्टर 2, 2 बजे के बाद, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 18 2/11। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी दिया, वेरी गुड, 2 18 2/11। सेकेंड टाइम क्या करेंगे आप, माइनस साइन यूज करेंगे, 10 − 6.67 मल्टीप्लाई बाई 12/11 मल्टीप्लाई बाई 12/11। तो आप देख सकते हैं 10 − 6.67 मल्टीप्लाई बाई 12 / 11, ये कितना आ जाता है बेटा, दिस इज इक्वल टू 10 − 6.67 मल्टीप्लाई बाई 12 / 11, 3.632। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 बज के बेटा अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 3.6, तो दैट मीन्स 6/10 ले लेते हैं, क्लियर।
अप्रोक्सीमेट आंसर, तो ये वो टाइम होगा बेटा जब फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, 40 डिग्री का एंगल आएगा, फर्स्ट 40 डिग्री, सेकेंड 40 डिग्री, बोथ आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कब आपको पॉजिटिव साइन लेना है, कब आपको नेगेटिव साइन लेना है, आई होप कि यहाँ से क्लियरिफाई हो गया होगा, आई होप यहाँ से बेटा क्लियरिफाई हो गया होगा। ओके, पॉजिटिव साइन कब लेना, देखिए एवरी एक्यूट एंगल इन बिटवीन 1 आवर, 1 आवर में एक्यूट एंगल जो बनता है, एवरी एक्यूट एंगल वो कितनी बार बनता है बेटा, 2 टाइम्स बनता है, और दोनों टाइम का हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू निकाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 9:25। मिनट हैंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 9:25। फर्स्ट हम फॉर्मूला अगर देखें, इन दिस केस द फॉर्मूला इज 5x प्लस माइनस डी अपॉन 6 इंटू 12 अपॉन 11। ध्यान से समझिएगा, तो इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का देखिए एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो 9 के बाद ये जो वैल्यू आती थी वही इज इक्वल टू सॉल्व करके आती थी बेटा। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने इन दिस केस ये फाइनल वैल्यू दे दिया कि 25 पे इस डी को आप बताइए। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 9:25, ये टाइम 9 to 10 के बीच में आएगा बेटा, 9 to 10, इन बिटवीन 9 to 10, तो 9 दिस वैल्यू इज एक्स, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 9, तो 5 into 9 प्लस माइनस डी अपॉन 6 इज इक्वल टू दिस इज 25 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 12। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस 275 अपॉन 12, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 45, ये प्लस माइनस डी अपॉन 6 इज इक्वल टू 275 अपॉन 12 -45 -45। तो जब आप इसे सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं दिस इज इक्वल टू आता है बेटा -22.0833। जब हम डी की वैल्यू निकालते हैं ये प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 6 करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है -132.5। अब यहाँ पे वैल्यू माइनस आया, अगर आप माइनस साइन के साथ अपोजिट करेंगे माइनस डी इज इक्वल टू -132.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी कितना आ गया 132.5। क्लियर, अगर आप पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे प्लस डी इज इक्वल टू 132.5, ये माइनस में रहता है -132.5। तो यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि सर दो आंसर क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या रीजन है कि एक बार पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है और एक बार निगेटिव में है। तो ध्यान से समझिए, इस क्लॉक में जो टाइम है वो टाइम हम 9:25 की बात कर रहे हैं, 9 दिस इज 12, 3 एंड 6, बात किसकी कर रहा है बेटा 9:25 की, 4, 5, ये देखिए दिस एंगल एट ए दिस पॉइंट मिनट हैंड और आर हैंड आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट एट ए दिस पॉइंट। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो दिस इज द एंगल थीटा 1 मान लेते हैं, दिस इज द एंगल थीटा 2। देखिए 9:25 में बेटा कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल बन रहा है, हाउ मेनी एंगल, 2 एंगल बन रहा है 9:25 में, कितने एंगल बन रहा है, ये जो थीटा 1 आया आपने, ये 132.5 जो पॉजिटिव वाला, आप देखें लेस देन 180 है आपको देख के पता चल रहा है, तो दिस थीटा 1 इज इक्वल टू 132.5 डिग्री। ये एंगल जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, जब वैल्यू निगेटिव आ गया तो टोटल 360 है, तो 360 माइनस जो ये वैल्यू आप ऐड करेंगे 132.5, तो ये कितना आता है बेटा 227.5। तो जो थीटा 2 की वैल्यू आती है 227.5, ये कितना आ जाता है बेटा 227.5, दिस वैल्यू इज 227.5। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि बेटा दो वैल्यू आने का रीजन क्या है,
दो वैल्यू थीटा के क्यों आ रही है, ये प्लस माइनस हम यूज क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस ये यूज क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रॉम गेट 2014। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2014। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 AM एंड 7 AM विल द मिनट हैंड एंड आर हैंड मेक एन एंगल क्लोजेस्ट टू 60 डिग्री। मेक एन एंगल क्लोजेस्ट टू 60 डिग्री। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 AM एंड 7 AM विल द मिनट हैंड एंड आर हैंड मेक एन एंगल क्लोजेस्ट टू गेट 2014। बेटा ये प्रॉब्लम पूछा गया है, ट्राई एवरीवन। ओके चलिए फर्स्ट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल मेथड यूज करेंगे, सेम वही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था। इसमें दिस इज ब्रह्म एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 AM एंड 7 AM विल द मिनट हैंड एंड आर हैंड मेक एन एंगल क्लोजेस्ट टू 60 डिग्री। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला ब्रह्मास 5x प्लस माइनस 60/6, क्योंकि 60 का पूछा है, इंटू 12/11। अब देखिए x की वैल्यू कितना होगा 6, ये भूलिएगा मत बेटा, x की वैल्यू कितना होगा 6। तो दिस इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 10 इंटू 12/11। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन अगर आप यूज करते हैं, यूजिंग पॉजिटिव साइन, 40 इंटू 12 अपॉन 11 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, 43.63। अगर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो 20 इंटू 12 अपॉन 11, तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 20 इंटू 12 अपॉन 11 दिस इज इक्वल टू आता है 21.81। तो इसे हम अप्रोक्सीमेट करके कितना ले सकते हैं, 22। तो अब देखिए 6 ऑलरेडी हो चुका है, वो टाइम क्या होगा, 6:22 AM। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए एक डाउट ये भी आता है, जैसे ये 43.63 है, यहाँ पे 45 है, 6:45। मोस्ट अप्रोक्सीमेट या क्लोजेस्ट आंसर, क्लोजेस्ट किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्लोजेस्ट आंसर की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 9 AM एंड द क्लॉक विल गिव 5 मिनट इन 12 आवर। व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन इट शोज 3 PM ऑन द नेक्स्ट डे, 3 PM ऑन द नेक्स्ट डे। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 9 AM एंड क्लॉक विल गेन 5 मिनट इन 12 आवर। वट इज द करेक्ट टाइम व्हेन इट शो 3 PM ऑन द नेक्स्ट डे, 3 PM ऑन द नेक्स्ट डे। दिस इज द होमवर्क, ये आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, दिस वन इज होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है।
एक क्वेश्चन मैं इस टाइप के सॉल्व करा देता हूँ, वो आपका होमवर्क था, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। एक क्लॉक इज सेट राइट एट 7 AM। 7 AM सेट किया गया राइट पे, एंड द क्लॉक लॉसेस 15 मिनट इन 24 आवर। व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन इट शो फोर पी एम आफ्टर टू डेज। दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर ए 4:32, 4:32 PM। ऑप्शन नंबर बी है 4:30 PM। ऑप्शन नंबर सी 4:36 PM एंड लास्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज 4:35। ये सॉल्व करिए आप। इन दिस केस सपोज, अगर हम सपोज कर लेते हैं टुडे इज मंडे, कोई भी डे आप सपोज कर सकते हैं। अगर मंडे हमने सपोज किया तो आफ्टर टू डेज ये क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये टाइम क्या है बेटा, 7 AM, और ये टाइम कितना है यहाँ पे, 4 PM। 7 AM एंड 4 AM कितने, 2 डेज पे, आफ्टर 2 डेज। तो अब देखिए 7 AM मंडे, फिर ट्यूसडे 24 आवर हो जाएगा 7 AM, वेडनेसडे 7 AM 48 आवर। तो 48 आवर, 7 AM के बाद 4 PM, क्या 9 आवर आएगा बेटा। तो दिस टोटल जो क्लॉक का मूवमेंट हो रहा है 57 आवर का। अब देखिए इन 24 आवर में वो लॉस कितना कर रहा है, 15 मिनट। इन 24 आवर में वो लॉस कितना कर रहा है, 15 मिनट का। कितने का लॉस हो रहा है, ओनली 15 मिनट। 24 आवर में लॉस कितने का कर रहा है, 15 मिनट का। अगर हम आपसे पूछें 57 आवर में कितने का लॉस करेंगे, 57 आवर में, तो आप लिख सकते हैं सर 15/24 × 57। जब आप इसे सॉल्व करते आता है 35.625। 15/24 मल्टीप्लाई बाई 57, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन 36 ले सकते हैं बेटा। यानी इस 57 आवर में, इस 57 आवर में वो 36 मिनट लॉस किया। तो 36 मिनट आपकी वॉच क्या हो गई बेटा, पीछे हो गई। करेक्ट टाइम से 36 मिनट क्या हो गया, पीछे। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द करेक्ट टाइम, व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन इट शो 4 PM आफ्टर 2 डेज। तो 4 तो ऑलरेडी बच चुका था, और कितना, 36 लॉस किया। तो करेक्ट टाइम कितना आ गया, 4:36 इज करेक्ट टाइम, 4:36 इज करेक्ट टाइम। तो सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो आपको मैंने होमवर्क पे दिया है, ये आपको ट्राई करना है। दिस इज फॉर होमवर्क। ए क्लॉक इज सेट एट 9 AM एंड द क्लॉक विल गेन 5 मिनट इन 12 आवर। व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन इट शो 3 PM ऑन द नेक्स्ट डे, 3 PM ऑन द नेक्स्ट डे।